हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जन सरोकार मंच में आप सबका स्वागत है। देवेन जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज सुनने में आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है देवेन जी? मेरी आवाज आ रही है? जन सरोकार मंच में आप सबका स्वागत है। मैं निर्मल न्यूलिया आज इस मंच पे विद्यालयी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान पर कुछ बातचीत रखूंगा। नमस्कार देवेन जी, मैं लैपटॉप से जुड़ रहा था लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही थी इसलिए वो जुड़ नहीं पाया, वीडियो नहीं दिखा रहा था। कुछ साथी और जुड़ जाएं। अब ठीक है सर? हेलो। अभी आएगा, आ जाएगा। इसको बंद कर दो ऊपर। अब आ रहा हूँ। आ रहा है? देख लो अपना आप। चलो उधर ही आ रहा हूँ। चलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जन सरोकार मंच में जो अभी तक मुझे देखने को मिला, मुझे ये लगा कि इस समूह से जो ज़्यादातर अभी तक जो विचार आमंत्रित हुए हैं, वे साहित्य को लेके हैं। बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और कुछ शिक्षकों ने भी अपनी अपने अनुभव साझे किए हैं। विज्ञान का जो संदर्भ है, मैं उसे यहाँ खोल रहा हूँ। तो आशा है कि आप लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और जिसमें ये हमारा अभी शुरुआती बातचीत है और आगे की बातचीत में हम उन उन घटकों पे विस्तार में चर्चा करेंगे जो मैं तीन घटक यहाँ पर विज्ञान के प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। असल में मैं एक विज्ञान शिक्षक हूँ। मैं जीवन विज्ञान का अध्येता हूँ और अभी वर्तमान में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, वहाँ पे कार्यरत हूँ। एक तो शिक्षण का जो अनुभव है, मैं उसके संदर्भ में ही बातें ध्यान रखूंगा और मैं ये बातें नहीं करने जा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ,
बल्कि मुझे मेरे करने से जो बातें अनुभव हुई हैं तो उन बातों को आपके सामने रखूंगा। जब विद्यालयी शिक्षा में विज्ञान की बात आती है तो उस वो विज्ञान आता कहाँ से है और वो विज्ञान जाता कहाँ है, मैं ये दो बातें आरंभ में आपके सामने रख रहा हूँ। जो विज्ञान का जो परिदृश्य है या जो ओवरऑल विज्ञान है उसके मैं तीन कंपोनेंट यहाँ पर सजेस्ट करूँगा। पहला कंपोनेंट वो उन वैज्ञानिकों का है, उन वैज्ञानिक संस्थानों का है और उन वैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों से जुड़ा हुआ जो शोध का विषय है वो है। यदि हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान हमें दिखेंगे, विश्वविद्यालयों में भी जो वैज्ञानिक विभाग होते हैं विज्ञान के विषय के वहाँ पर भी शोध होता है और वो प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है बल्कि बहुत सारा विज्ञान फील्ड में होता है। जैसे हम भूगर्भ विज्ञान की बात करें तो भूगर्भ विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी जो पर्यावरण विज्ञान है तो इसकी प्रयोगशाला प्रकृति अपने आप में है। तो ये जो वैज्ञानिक समुदाय है, जो वैज्ञानिक संस्थाओं और समूहों से मिलकर बनता है, ये अपने अपने निर्धारित विषय में शोध करते हैं। अब इतना बड़ा विशाल समुदाय है लेकिन इस समुदाय के बीच में भी आपस में कोई संवाद नहीं रहता क्योंकि उनके विषय अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं। एक एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको बगल ही में कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में कर रहा है तो उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं होती। और ये जो वैज्ञानिक समुदाय है, ये जो विज्ञान हो रहा है, इस विज्ञान को प्रस्तुत करने की, इस विज्ञान को में जो उनको अनुभव होते हैं, जो उनके प्रेक्षण होते हैं और जो उनके अवलोकन होते हैं उसके आधार पर जो वो डेटा निर्धारित करते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों को एक निर्धारित फॉर्मेट में, एक उनका अपना मीडिया है उसी मीडिया में रखा जाता है। यदि मैं उस मीडिया की बात करूं तो वो शोध पत्र एक एक निर्धारित जर्नल में, मैगजीन में, एनल्स में छपता है। अब उसकी भाषा और शैली इस तरह की होती है कि उसको दूसरे विषय वाला या कोई आर की बात को छोड़ दें, दूसरे विषय वाला ही नहीं समझ सकता है। इसलिए उनकी जो अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी है, वही आपस में उस पर संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। अब वहीं से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ हम न्यूज़ में उसको देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है या ऐसा ऐसा खोज हुई है। दूसरा विषय है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट विज्ञान शिक्षा का है। वो विज्ञान शिक्षा जो हमें स्कूलों से लेके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में देखने को मिलती है, पढ़ने और पढ़ाने सीखने सिखाने को मिलती है। ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान सीखा सिखाया जाता है। और ये जो पाठ्यक्रम है, ये इसके निर्धारण में कहीं ना कहीं जो पहला कंपोनेंट मैंने वैज्ञानिक समुदाय का बताया और जिनकी रुचि अकादमिक क्षेत्र में होती है तो वो भी उसमें हिस्सेदारी करते हैं। यदि मैं इधर हाल के समय की बात करूं तो जो यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट एनसीएफ के संदर्भ में आई तो उसमें एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक समुदाय उससे जुड़ा। एनसीईआरटी की पुस्तकें जो 2006 में निकली तो उनके, यदि हम या उससे पहले भी देखें तो उनका जो जो एडिटोरियल बोर्ड है उसमें आप नाम देखेंगे, जो विज्ञान की पुस्तकों की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारे देश के जो शीर्ष वैज्ञानिक संगठन हैं वो वहाँ पे जुड़े आपको मिलेंगे। उनके ही निर्देशन में या उनके ही बोर्ड में एक ऐसा एडिटोरियल बोर्ड की स्थापना की गई, उनके द्वारा वो पाठ्यक्रम और उसकी विषय वस्तु निर्धारित की गई।
लेकिन ये बहुत सीमित है। जो वैज्ञानिक समुदाय या वैज्ञानिक संगठन के जो वैज्ञानिक हैं या वहाँ जो विज्ञान हो रहा है, तो बहुत कम ऐसे लेखक हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पॉपुलर विज्ञान साहित्य रचा है। हाल के समय में यदि विश्व पटल की बात मैं करूँ तो हम स्टीफन हॉकिंग को यहाँ पर कोट करेंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग की जो रचनाएं हैं, जो उसकी पुस्तकें हैं, उनके आर्टिकल, उनके बहुत सारे उनके वार्ताएं इस तरह की रही हैं जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो लेकिन ये रेयर है, बहुत कम ऐसा लिखा गया है, और लिखा भी गया तो बहुत कम पढ़ा गया है। तो ये जो विज्ञान का जो जगत है, वहाँ से जो विज्ञान शिक्षा में लोग आ रहे हैं, वहाँ जो बातें कर रहे हैं, या मैंने पाठ्यक्रम की बात करी तो वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ वो समुदाय, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत छोटा है, वो बहुत कम लोग हैं। अब यहाँ होता क्या है, काफ़ी लंबे समय में जब वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं तो उन सिद्धांतों का डॉक्यूमेंटेशन जिन पुस्तकों में हुआ है, उन पुस्तकों में से ऐसी विषय वस्तुएं छांटी जाती हैं जो स्कूली पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा की बात भी करेंगे तो, क्योंकि शुरुआत स्कूली पाठ्यक्रम से ही होती है, कोई भी विज्ञान का कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक हम कहें, वो कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा से छूता है, शुरुआत यहाँ से होती है। अब यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो एक लंबे अरसे में, मैं ये कहूँ कि पूरे मानव सभ्यता के दौर के विकास के दौर में जितनी भी अवधारणाएँ जो स्पष्ट हो सकी, जिसको हम सिद्धांतों के रूप में स्वीकार कर सके या वो आगे सामने आए, तो उन्हीं वही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता है। मैं ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागति के सिद्धांतों की बात करूँ, या चार्ल्स डार्विन के जीवन ये जीव जातियों की उत्पत्ति की बात करूं, या ओपेरिन के जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की अवधारणा या उससे जुड़ा हुआ जो बाद में धीरे धीरे सिद्धांत में बदलता है प्रयोगों के द्वारा, तो उसकी बात करूं, न्यूटोनियन फिजिक्स में जो गुरुत्वाकर्षण का जो जो प्रारंभिक जो मूल अवधारणा आई, तो ये वो अवधारणाएँ थी, ये अवधारणाएँ कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ती हैं। अब बात यह होती है कि उस अवधारणा के साथ साथ हम विषय वस्तु कितनी देते हैं और उसमें बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चा क्या करे, और शिक्षक के से क्या अपेक्षा रहती है कि शिक्षक किस हद तक या कहाँ तक जा सके, वो जाए, बच्चे को ले जाए, अपने जो टीचिंग उसकी मेथडोलॉजी है, वो जो हम जिसको ट्रांजेक्शन प्रोसेस कहते हैं क्लास की, ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें एक रूपता हो ही नहीं सकती। आप एक ऐसा मानकता ही नहीं कर सकते कि टीचर क्लास में क्या पढ़ाए, कैसे, हाँ क्या पढ़ाए ये फिर भी तय हो सकता है, लेकिन कैसे पढ़ाए, किस तरीके से पढ़ाए, क्या क्या किन किन चीज़ों का वो समावेश करे क्या न करे, वो उस पर निर्भर है। तो ये जो इकाई यहाँ पर बनती है, पाठ्यक्रम आपने दे दिया टीचर को, पुस्तकें दे दी, और उसमें किस किस तरह से मूल्यांकन होना, ये सारी बातें दे दी, ये इसका एक फॉर्मेट है निर्धारित, लेकिन टीचर कैसे पढ़ाएगा, उसमें किन किन बिंदुओं का वो समावेश कर सकता है, इसके लिए वो इंडिपेंडेंट, इसके लिए वो फ्री है। और यहाँ पर बहुत बड़ा नवाचार की संभावना है, और नवाचार हुआ भी है, और जिन शिक्षकों ने जिन स्कूलों ने इसमें ध्यान दिया, अपने अपने प्रयोग धर्मिता और रचना धर्मिता का कार्य किया है, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्थापित स्कूल भारत में हैं, अभी भी यदि हम उत्तराखंड से सिक्किम तक बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक छुटपुट आपको मिल जाएंगे जो ये सारे काम करें, ये यही नहीं है, विज्ञान में ही नहीं, तो वो हर विषय में अपना अपना ये काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो विज्ञान शिक्षा की है, तो एक पार्ट सैद्धांतिकी है और दूसरा बनता है व्यवहारिकी। और जैसे जैसे हमारा पाठ्यचर्या का जो विकास हुआ है, जो अभी एक ऐसे स्वरूप में आया कि हम एक परिपक्व स्वरूप कह रहे हैं उसको, हालांकि उसमें भी अब परिवर्तन का दौर आने लगा है,
वो जो परिपक्वता बनी थी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 से, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट संकेत थे, दिशा निर्देश थे कि आप बच्चों को कहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ तक विज्ञान शिक्षा की बात है। तो उसमें सैद्धांतिकी वाला पक्ष यदि छुआ दिया जाए बच्चे को, या उसको एक समझ बनाने की कोशिश की जाए, और वो सैद्धांतिकी का पक्ष बनता है प्रयोगों से, और वो जो प्रयोग हैं, वो जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से ये सोचा गया, ये माना गया कि बच्चा चीज़ों को सामने देखेगा और उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा अपने आसपास। लेकिन हुआ क्या, ये जो गतिविधियाँ थी, ये गतिविधियाँ मैकेनिकल बन के रह गई, बिल्कुल यांत्रिक। बच्चा उसको वैसे ही एंजॉय कर रहा है जैसे वो किसी अपने टॉय को करता है। समझा तो, सोचा तो ये गया था कि बच्चा उससे विज्ञान सीखेगा, लेकिन हुआ नहीं। मैं ये हुआ नहीं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक मनोवृत्ति की तरफ अपने बहस को ले जाऊंगा। तो वो क्यों नहीं हुआ, इसकी बात मैं भी बाद में करूंगा। तो दोनों का संतुलन होना था। तो हमने किया क्या, या तो हम सैद्धांतिकी पक्ष की तरफ ही रहे, कहाँ, विद्यालयी शिक्षा में। बच्चा सवालों को हल करते रहता है घंटों, एक ही सिद्धांत पर कई तरीके से वो सवालों को हल करता है, और वो सवाल कागजी सवाल होते हैं। व्यवहारिक पक्ष जोड़ने की बात की थी, लेकिन जुड़ नहीं पाया। वो जुड़ता कहाँ है, वो जुड़ता है जब बच्चा विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लेता है, और उसके बाद वो जब किसी अप्लाइड ब्रांच में जाता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, हैं, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, तो वहाँ वो व्यवहारिक पक्ष शुरू कर रहा है। लेकिन यहाँ व्यवहारिक पक्ष को देखने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। अब एक ही चीज़ व्यवहारिक हो सकती थी, वो क्या हो सकती थी, क्योंकि स्कूल की अपनी सीमाएं हैं, अपने निर्धारित घंटे हैं, उसी में उसको सारे विषयों को समावेश करना है। पाठ्यचर्या के बहुत सारे बिंदु हैं, उनको पाठ्यचर्या के बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं को तक छूना है यदि विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है। अब होना ये था कि विजय जी, आवाज़ अब स्पष्ट है। बिष्ट जी, विजय बिष्ट जी, आवाज साफ है। अब होना ये था कि बच्चे ने जो पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत जो सिद्धांत थे, उसके अंतर्गत जो बातें आई थी, जो विचार बनने की कोशिश में था, उसका अनुप्रयोग यदि कहें कि ये कहें कि उसको प्रैक्टिस करना था। और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब बच्चा स्कूल से घर आ चुका है, जब बच्चा स्कूल से घर आ गया है, तो उसने उसको व्यवहार में लाना था। अब व्यवहार में क्यों नहीं ला पाया, क्योंकि घर में, अपने परिवेश में, अपने समाज में उसको वो माहौल ही नहीं मिला। अब माहौल कौन देगा, माहौल समाज देगा। समाज को देना चाहिए था, और देना चाहिए, भविष्य की बात यदि मैं करूं, यदि बच्चा खेती बाड़ी की क्षेत्र का है, खेती बाड़ी से उसका परिवार जुड़ा है, उसका गांव जुड़ा है, तो वो अपने विज्ञान के जो जिन अवधारणाओं को सिद्धांत के माध्यम से प्रयोग तक पहुंचा था, उसकी पुष्टि के लिए उसने अपने अपने परिवेश में, अपने प्राइवेट माहौल में उसको टेस्ट करना चाहिए था। पेरेंट को ये जरूरत होगी भविष्य में कि वो अपने बच्चों के लिए टॉफी और चॉकलेट के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भी लाएं, कुछ ऐसे टूल्स लाएं जिससे बच्चे अपनी खेत की मिट्टी, अपनी जमीन से निकला हुआ पानी और अपनी हवा को टेस्ट कर सके। जरूरत होगी जो उद्योगों से, औद्योगिक क्षेत्रों में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, उन मोहल्लों को, उन सोसाइटीज़ को ऐसे संसाधन विकसित करने पड़ेंगे, करनी चाहिए,
कि वो बच्चे वहाँ के दूषित वातावरण के स्तर को नापना शुरू करें। अब हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल व्यवहारिक है, तो टूल्स बने हुए हैं उसके लिए, वैज्ञानिक संस्थान हैं, दूसरी तरह से तीसरी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसका एक अपना मानक है। एक मशीन को बच्चा देखता है, वो मशीन को हम चलते हुए यदि दिखाएं तो मशीन चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन वो मशीन कैसे काम करती है, वो कैसे चल रही है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके अलग अलग भाग हैं, वो किस तरह से आपस में सामंजस्य एक कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं, इसका पता आप कर ही नहीं सकते देख के। और हो ही रहा है, हम बाहर से हम विद्यालय की विज्ञान पाठ्यक्रम के को एक मशीन की तरह देख रहे हैं, वो चल रही है, बढ़िया चल, बच्चा भी चला ले रहा है, उस समय गतिविधि की बात कर रहा हूँ। तो मैं गतिविधि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये सर्व शिक्षा अभियान की बात करूँ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अब तो संपूर्ण शिक्षा की बात है, सारे प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक फ्यूज करने वाली बात है, तो उन अभियानों के जो कार्यक्रम हैं, वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें, और डाइट एनसीईआरटी एससीईआरटी के माध्यम से पूरा एक, मैं कह रहा हूँ पिछले 15 साल हमने ये किया है, गतिविधियाँ बनाई हैं, बच्चों तक ले गए, बच्चों से भी बनाई, एक बात आई कि टीचर ना बनाए बच्चा बनाए, बच्चे से भी बनाई। अब क्या हुआ, क्या होगा, अब उसका विश्लेषण तो होना है कि अभी ये जो मास निकलेगा, कुछ एक पीढ़ी निकलेगी, कुछ लंबे दौर में देखा जाए तो उनमें कितना परिवर्तन आया है, उस समाज में किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभा पा रहे हैं। तो वो जो मशीन है, मैं उस मशीन की बात कर रहा हूँ कि जिसको दूर से हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो शिक्षक उसको दिखा रहा है कि ये मशीन ऐसे चलती है, अब लेकिन मशीन चल रही है उसको दिखाया जा रहा है, बच्चे को आनंद आ रहा है, स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है, जो भी हो रहा है, आवाज़ आ रही है, तो लेकिन वो अंदर से क्या है, वो कैसे काम कर रही है, ये ठीक उसी तरह से जैसे एक मैकेनिक एक मोटर को ठीक करता है, उसको सर्विसिंग कर लेता है, उसके जो फॉल्ट्स हैं उन फॉल्ट्स को भी वो समझ के ठीक भी कर देता है। लेकिन अब बात यदि उसके सैद्धांतिक पक्ष की बात की जाए कि ये किस तरह से काम करता है, ये वो नहीं जानता और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हुआ यही कि हमने भी, शिव पांडे जी भी हैं यहाँ पे, नमस्कार सर, सोनू चौधरी जी नमस्कार आपको, तो वो जो जानने की इच्छा नहीं थी उसकी या ज़रूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि उसको सर्विसिंग करनी है, ये जानने की इच्छा हमारे स्कूली विज्ञान के पाठ्यक्रम में करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा मींस हायर सेकेंडरी की बाद जिस फील्ड में भी जाएगा तो उस फील्ड में वो सीख लेगा, उसको कर लेगा। अब तीसरी बात ये है, जो विज्ञान के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ विषय है की बात है, वो है मूल्यांकन का। पाठ्यक्रम में नई चीज़ें जोड़ना, कुछ चीज़ें हटाना, उसको संशोधित करना एक एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, ये बड़ी इजीली हो सकता है, ये इसमें बड़ी दिक्कत नहीं। कई बार पाठ्यक्रम बदलता है तो उसकी वजह से भी कई दिक्कतें आती है, लेकिन ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू है यहाँ पे मूल्यांकन का। अब मूल्यांकन हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, हमें एक मापदंड दिया गया, एक पैमाना दिया गया, उस तरह से हम कर रहे हैं। अब उसमें तो हमारी तो कोई पहुंच नहीं है कि हम उसको बदल दें, लेकिन शिक्षक क्या कर सकते हैं, स्कूल क्या कर सकते हैं, स्कूल ये कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन से पहले क्लासरूम की जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस है उसमें बच्चे के सैद्धांतिक के साथ साथ उस व्यवहारिक पक्ष को भी देखे, उसका भी मीन्स मूल्यांकन करे, वो बच्चे को उस तरह के टास्क दे जिसको बच्चे अपने परिवेश में अपने आसपास, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी इतनी इंटीग्रेट नहीं हुई है हमारे स्कूलों से, वो एक तरह से हुई है, स्कूलों में बच्चों की भरमार है, संख्या बढ़ी है, ड्रॉप आउट कम हुआ है, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन
वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह की उसकी समझ बने, क्या वो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो फुलफिल हो पा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। अब जब शिक्षा के लक्ष्यों, जो हमारे लक्ष्य हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वही अभी पूर्व की प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम विज्ञान शिक्षा के अपने जो लक्ष्य हैं उनको कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। तो देवेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मुझे आपने आमंत्रित किया। मैं सोच रहा था मैं किस तरह की इसमें बात करूं, लेकिन जो आपने विषय मेरे लिए चुना, मुझे अनुकूल लगा कि मैं इस पे बात कर सकता हूं। तो ये जो अभी, क्योंकि अभी हमारा समाज उस स्थिति में नहीं है, हमारे पेरेंट्स उस स्थिति में जब तक नहीं आएंगे कि वो बच्चे का ये जो विकास देखें, उनके लिए उस तरह की सुविधाओं में सहयोग कर सकती है, उसको जोड़ना है। मैं अब तीसरा कंपोनेंट खोल रहा हूँ, वो है मीडिया का, विज्ञान संचार की बात मैं करूँ, इसको मैं मास कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन भी कहूँ तो उचित रहेगा। तो जो पहला और दूसरा क्षेत्र है, इसके इसकी एक कड़ी है, कड़ी भी हो सकती है अभी भी है, वो है साइंस कम्युनिकेशन। अब साइंस कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो कहाँ से आता है, या वो जो व्यक्ति होगा साइंस कम्युनिकेटर, वो कौन होगा? वो या तो एक वैज्ञानिक समुदाय का सिर रहा होगा, या वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें अपना शिक्षा में, विज्ञान शिक्षा में जिसका अनुभव रहा है, या वो वैज्ञानिक विज्ञान जो शोध का अनुभव उसका रहा है, तो वो एक कम्युनिकेटर होगा। और जब वो एक कम्युनिकेटर होगा तो वो शायद चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ले जा पाएगा आम जन तक, ये मेरी अपेक्षा, मतलब मेरा आत्मा अनुभव रहा है, जितने मैंने साइंस कम्युनिकेटर को देखा है, मैं देवेन जी की बात करूँ, मेवाड़ी जी की, तो उनका विशद अनुभव रहा है इन इन क्षेत्रों में। वो विज्ञान विज्ञान जगत से भी जुड़े हैं, शोध से भी जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो शिक्षा से भी जुड़े हैं। वो पहले नहीं जुड़े तो बाद बाद में जरूर जुड़े हैं, शिक्षकों बच्चों से उनकी बहुत बड़ी इंटरेक्शन जो ये हुई है पिछले सालों में, वो कहीं ना कहीं उसका वहाँ ये बात आती है। तो अब ये जो फील्ड है, ये साइंस कम्युनिकेटर का, ये यहाँ से निखर के आता है। लेकिन इंडिया में या बहुत सारे देशों में, ओवरऑल यदि हम थोड़ा सा भाग पश्चिमी ये पश्चिम का, यूरोप का और नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका का छोड़ दें, तो ज़्यादा ज़्यादा दुनिया में साइंस रिपोर्टर नहीं है, नाम मात्र के। अभी प्रिंट मीडिया में फिर भी थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें मुझे तो ऐसा अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं दिखा कि वास्तव में जो किसी वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ का विश्लेषण करके उसको एक प्रोग्राम बना के वो टेलीविज़न सीरियल के रूप में या न्यूज़ के रूप में मीन्स प्रेक्षित कर रहा हो। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, ये इसमें बहुत बड़ा गैप है साइंस कम्युनिकेशन का। अब इसका काम क्या था? साइंस कम्युनिकेशन जो वैज्ञानिक जगत में हलचलें हो रही हैं, जो काम हो रहा है, और जो शिक्षा जगत में हो रहा है, उन दोनों चीजों को आम लोगों तक उसको पहुंचाना था। ये एक काम तो बहुत अच्छा कर रहा है कि जो अभी जितना भी है, कि वो जो विज्ञान जगत की जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, उसको एक न्यूज के रूप में या एक रिपोर्ट के रूप में या एक किसी भी तरीके से वो ले आ रहा है मीडिया में। लेकिन शिक्षा जगत में क्या हो रहा है वो विश्लेषण नहीं आ पा रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरतें होंगी भविष्य में। और यदि मास मीडिया में वैज्ञानिक जर्नलिज्म, साइंटिफिक जर्नलिज्म की हम बात करें, तो यदि साइंटिफिक जर्नलिज्म यदि शुरू कर दिया जाए, तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे, क्योंकि जो दूसरे जो सामान्य जर्नलिज्म है उसमें भी शोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, वो भी किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दों को भी सोच समझ कर शोध करके लाएंगे। अब बच्चा अपने स्कूल के बाद ये भी तो देखता है, उन विश्लेषणों को भी देख रहा है, उन
न्यूज़ को भी देख रहा है और बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, तो वो अधकचरा है, वो स्यूडो साइंस है। वो जो स्यूडो साइंस है वो बच्चे की जो पाठ्यक्रम की साइंस से कैसे जुड़ेगी? पढ़ कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, वास्तविकता कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, तो कैसे उसका विश्वास बदलेगा, कैसे उसकी अवधारणा में बदलाव आएगा? तो बच्चा तो उसी अवधारणा से चिपका रहेगा जिस अवधारणा में वो पढ़ा बड़ा है। ये तो, ये मैं तीन विकल्पों की मैंने बात की कि विज्ञान किस किन किन संदर्भों में है। अब मैं, क्योंकि मेरे को ये बात कही गई है कि मैं इसको वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास से जोड़ूं। अब जो कमियां हैं वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में, जो कमियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आई हैं अभी तक, तो ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास विज्ञान शिक्षा से नहीं हो पाया, या जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो ये, इस पर यदि कहा जाए तो क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अपने ऐतिहासिक कारण है। मानव समाज का अपने अतीत के प्रति बड़ा मोह रहा है, एंटीक चीजों को की बड़ी कॉस्ट है दुनिया में। सब जितना पुरानी जो चीज होगी ना, उसको अभी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतना महंगा बिकता है। जितना पुराना ज्ञान होगा, जानकारी होगी, विश्वास होगा, उसको बड़े आश्चर्य से भी देखता है और अपनी पुरखों की एक वसीयत के रूप में भी देखता है। तो नए का समय उसके तो संभावना ही नहीं है। नया आएगा कैसे जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे? हाँ, पुराना ज्ञान, अतीत का जो अनुभव है, जो पुरखों के, पुरानी सभ्यताओं के, उसी पर हमारा नए समाजों का भी निर्माण हुआ है, ये तो पक्का है। लेकिन हमने क्या किया, जो भौतिक स्वरूप है, अतीत का जो बाहरी ढांचा है ना, उसको नहीं रखा है। उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें बहुत बहुत सारे बदलाव कर दिए हमने। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके पिछले 3 पीढ़ियों से एक पुराना मकान है, और उस मकान को वो बड़े आसानी से तोड़ के नया बना देता है। हम देखते हैं अपने आसपास, हमारे घरों में ये बातें हुई हैं। यहाँ तक कि दीवार पूरी नहीं भी तोड़ेंगे तो छत तोड़ के उसमें कुछ और बना देते हैं, रिनोवेट कर लेते हैं, या पूरा तोड़ के नया बना लेते हैं। ये जो भौतिक स्वरूप है प्राचीन का, हमारे अतीत का, उसको तो हम बदल लेते हैं, इसीलिए हमको नया दिखता है। नया क्या दिख रहा है? नए शहर दिख रहे हैं, नए मकान दिख रहे हैं, नई बिल्डिंगें दिख रही हैं, नई रोडें दिख रही हैं, हैं। एक गूल को हमने नहर में बदल दिया, एक छोटी सी बगडंडी को हमने बहुत हाईवे में बदल दिया, ये सब दिख रहा है, ऐसा हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक पक्ष था, वो अपने अतीत का, वो नहीं बदला हमने, वो वैसा ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जो नया, नई मान्यता है, उसको कैसे स्वीकार करेंगे, उसको कैसे आत्मसात करेंगे? यदि वो आत्मसात नहीं होगा तो हमारा व्यवहार तो अपनी जगह रहेगा, हमारा व्यवहार इस नहीं बदलेगा। हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने जीवन के क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में जो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार हमारा वही रहेगा, नया उसमें जुड़ने की संभावना नहीं होगी। तो एक कारण ही रहा है। दूसरा कारण, वैज्ञानिक जो अभिवृत्ति की विकास की बात है या मनोवृत्ति के विकास की बात है, दूसरा कारण इसमें बड़ा बड़ा जबरदस्त कारण है, वो कारण है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। मेरा इसमें विवाद रहा है लोगों से, कि उनका कहना है, अभी हाल में मेरी संवाद हुआ है इस तरह से कुछ एक्सपर्ट से, उनका कहना है कि जो अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा ज़्यादा प्रभावी है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन औपचारिक शिक्षा में हुआ क्या है? औपचारिक शिक्षा में भी वही भौतिक स्वरूप बदला है, स्कूल बने हैं, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है,
और समाज भी ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, और उसके लिए उन्होंने जितनी ज़रूरतें हैं वो लगभग पूरी करने की कोशिश की हैं, ये तो हुआ है। लेकिन जो समाज की जो अपनी शिक्षा है, जो जो उसके लालन पालन और उसके अपना जो सोच विचार है वो जो जिन चीज़ों को मानता आया है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। इसीलिए हम देखते हैं, जब एक हम यदि कहें कि बच्चे जो सफल होते हैं, सफल हुए हैं, जो बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छी परसेंटेज के साथ टॉपर रहते हैं और अच्छे कॉम्पिटिशन्स में भी को भी फाइट करके और एक अच्छा कैरियर बनाते हैं, उनमें भी वही बातें रहती हैं। तो हमने पैमाना क्या बना दिया? हमने तो वो जो सफलता के पैमाने तो दूसरे बना दिए। तो शिक्षा के जो सवाल हैं वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल अपनी जगह हैं, टस से मस नहीं हुए, उसमें हलचलें हुई हैं। ये जो आप लोग इस तरह की से रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, स्वयं स्वयं मी से एक ऑटोनोमस पहल कर रहे हैं, इन 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 मंचों पे ये बातें होती जरूर हैं। लेकिन जो जो बदलाव, जो जो मानसिकता का बदलाव न भी कहूँ, एक मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से एक थोड़ा एक धारणात्मक बदलाव भी था। चलो आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मान तो रहे हैं, ऐसा झिझक डर कि जो मैं इस नए व्यवहार को अपनाऊंगा, ऐसा अभी तक होता आया है, अब मैं ऐसा करना शुरू करूं तो उससे लोग मना करेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्योंकि अपने चारों ओर का जो परिवेश है, उस परिवेश में जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये बातें नहीं आएंगी। हम अकेले एक समाज के एक एक बच्चे जो अभी ग्रो कर रहा है, उससे अकेले कैसे अपेक्षा करें? उससे अकेले ये कैसे अपेक्षा करें कि उसकी मनोवृत्ति बदले? स्कूल में जाके विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ के, या वहाँ एक विज्ञान शिक्षक उस अकेले, मैं अभी और माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ किस तरह का नकारात्मक माहौल है, अकेले एक विज्ञान शिक्षक एक बच्चे की मानसिकता कैसे बदल सकता है? संभव ही नहीं है। और घटक कहाँ है समाज के? उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या वो चाहते भी हैं ऐसा? क्या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो व्यवस्थाएं ऐसा चाहती हैं कि शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण हो, शिक्षा के सवाल हल हों, विज्ञान शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कहीं? बहुत सारे शिक्षक भी मेरी बात को सुन रहे होंगे यहाँ पे, मैं उन तक भी मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या हमने कभी शिक्षा ये अपने विज्ञान के उद्देश्यों पे बात करी? हमने किसी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को, क्या किसी यूनिट को विज्ञान के उद्देश्य को ध्यान में रख के क्लास में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है? क्या किसी अभिभावक ने, हम अभिभावक भी हैं, ये सोचने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कभी, या ये प्रश्न उसके मन में आए कि बच्चा मेरा विज्ञान का स्टूडेंट है और विज्ञान जैसा, जो विज्ञान जो कहता है, क्या उस तरह के गुण या उस तरह का व्यवहार इस बच्चे में दिख रहा है? तो देवेन जी, जो धारणाएं हैं लोक में, उस पर बात हो रही है। कई ऐसा साहित्य रचा लिखा गया है जिसको विद्रोही माना गया, कई लोगों को मार दिया गया। तो ये उसी समाज से तो बच्चा भी आ रहा है, उसी समाज से वो बच्चा भी आ रहा है, उससे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको माहौल दे सकते हैं, और ये माहौल मैंने पहले ही बात की कि इसमें हमारे स्कूल इतने समर्थ नहीं हैं, हमारे अभिभावक इतने समर्थ अभी नहीं हुए, हमारे समाज में शिक्षा के प्रति ही अभी एक बहुत अच्छा नज़रिया विकसित नहीं हो पाया है। तो फिर कहाँ वो एक विषय विशेष के उद्देश्यों की बात करेंगे, तो वो बहुत एक लंबी प्रोसेस है। वो ये समाज विकास का एक दौर है, एक प्रक्रिया है, और उसमें धीरे धीरे हो रहा है,
और एक चीज मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा वो ये कि क्या हम सिर्फ विज्ञान के छात्रों से, विज्ञान विषय से जुड़े हुए लोगों से ही अपेक्षा करें कि उसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो? कोई ज़रूरी नहीं। जो विज्ञान विषय का न भी है उनमें भी आप अच्छी खासी वैज्ञानिक मनोवृत्ति देखेंगे, बड़े तर्कशील जवाब वो मीन्स प्रश्न पूछते हैं, वो लोग रखते हैं, और बहुत उनके व्यवहार में भी मैंने देखा तो उनका व्यवहार भी इस तरह का है कि आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल साइंटिफिकली चीज़ों को लेके चल रहा है। ये सारी चीज़ें तो ये जो मसला है ये यही वो वहाँ तक सीमित नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि वो विज्ञान विषय तक ही सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसे हम परख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं अब कितना टाइम हो गया, मैं कुछ डिस्टरबेंस रहा आज बात करने में, कुछ प्रश्नों को लूँगा जो साथियों ने हमारी भेजी है। विजय भट्ट जी कह रहे हैं कि मुतबाद यह है कि क्या हम विद्यार्थियों को समाज में वैज्ञानिक चेतना का विकास कर पाए हैं? ये विजय जी कर पाए हैं तो इसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। क्या हमारे पास ऐसे टूल हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? हमारे पास ऐसे टूल हैं? जो अकादमिक शोध है या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ, क्या ऐसा कुछ कर रहा है? ये ऐसे देखा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए एक ही करेक्टर हम देख सकते हैं, एक करेक्टर देख सकते हैं जिसको अनुभव भी किया जा सकता है, नोटिस भी किया सकता है, वो है व्यवहार, व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन के लिए वो एक अलग ही विज्ञान है, वो अलग ही क्षेत्र है जिसमें एक मनोवैज्ञानिक तौर पे चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी और उन बच्चों के साथ उतना देर रहना होगा। है समय? क्या हमारे शिक्षकों के पास, हमारे स्कूल के पास समय? क्या हमारे पेरेंट्स के पास उतना समय है कि वो अपने बच्चे की उन गतिविधियों को नोटिस कर सकें? ये मसले हैं। तो वो प्रश्न आपका जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने उसकी ओर इशारा कर दिया है। स्कूलों में हिंदी या विज्ञान पढ़ाने में बहुत फर्क नहीं किया जाता। देवेन जी, नहीं किया जाता, तो बिल्कुल नहीं किया जाता। विज्ञान को भी हम हिंदी की तरह ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन एकदम नहीं कह सकते। हिंदी को भी आप विज्ञान की तरह पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं। आ रहा है ये दौर, जो भाषा विज्ञान है वो अपने आप में भाषा का जो स्रोत है, वो जो शब्दावलियाँ हैं, जो संकेत हैं, हर शब्द का, देखो मैं विज्ञान में ही देखता हूँ तो हर शब्द का जो वैज्ञानिक शब्दावलियाँ होती हैं उसका कहीं ना कहीं मूल होता है, वो कहीं कुछ शब्द कहीं से आया रहता है, तो वहाँ पर हम भाषा को टच करते हैं। भाषा में यदि ये प्रश्न आ रहा है, यदि कोई शब्द आ रहा है वो वैज्ञानिक शब्दावली का, तो वहाँ तक भी जाया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि एक कोरी स्लेट में कुछ रचनाएं उकेरने जैसा है, तो नहीं है। इसके अपने मूल कारण है। सर, आपने कहा शिक्षा के प्रति नज़रिया ही विकसित नहीं हुआ, इससे आपका क्या अभिप्राय है? रमेश काला जी, शिक्षा के प्रति नज़रिया कहने का मतलब है वो जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके प्रति नज़रिया। अभी शिक्षा का के प्रति किस तरह का नज़रिया है कि हर हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, ये जरूर चाहता है, लेकिन उस शिक्षा के भी जो अपने उद्देश्य हैं क्या वो पूर्ण हो रहे हैं?
आप चाहेंगे आपका डॉक्टरी करें, और उस डॉक्टरी का जो पेशा है उसके अपने एक उसके एक अपना ध्यान है, उसको हम फॉलो कर पा रहे हैं, ये सब सोचने वाली बात है। तो वो नजरिया उस तरह का सकारात्मक नजरिया है। क्या हम बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उस वो एक एक कहने का मतलब है कि एक समाज का एक सभी नागरिक ने क्या क्या हम ऐसे पेड़ करके पढ़ा रहे बच्चे को, तो ये सोचने की बात है कैसे पढ़ा रहे हैं या बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो मैं उस नज़रिए की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें जो संवैधानिक मूल्य हैं इनका विकास हो, कोई सोच रहा है ये बात? तो इस नज़रिए की बात रमेश जी मैंने कही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित हो, विज्ञान पढ़ने से ही कभी मान लिया जाता है कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित, लेकिन ऐसा क्या ऐसा कैसा है? मैंने तो एक बात ये कही कि विषय से इसका कोई बहुत घनिष्ठ संबंध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो हम अनपढ़ लोगों में भी देखेंगे, आप गांव घरों में जाइए, देहातों में जाइए, अभी भी जो कभी जिनने पढ़ा लिखा नहीं, जो ABCD नहीं पढ़ा बच्चों ने, उन लोगों ने, तो वो लोग भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा बड़ा उदाहरण है और ये हमें मान लेना चाहिए इसको, इसमें कोई दो राय नहीं, वो है कृषि। खेती की के द्वारा फसलों की जितनी प्रजातियां विकसित हुई हैं, अभी यदि हाल का दौर यदि कहें, जो कृषि विज्ञान जब से विकसित हुआ है का विकास हुआ है, तब से आप जो जो वैरायटीज़ देख रहे हैं वो तो एक नमूना है, एक छोटा सा नमूना, उन्होंने हेर फेर कर रखी गुणों में से, लेकिन जो जो मूल जो उस प्रजाति को वाइल्ड मतलब प्रकृति से सहेज कर उसको ब्रीड कर पालतू बनाया है, ये किसने किया? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे विकसित करें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कोई एक सीधा साधा एक छोटा सा या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। यदि बच्चा अपने आसपास के परिवेश में चीज़ों को घटनाओं को का प्रेक्षण कर रहा है, उसको अवलोकन करता है, क्या उधर की ओर नज़र जा रही नहीं जा रही, समस्या को आइडेंटिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और उस समस्या है नहीं है। मैं आप यदि आप मैंने एक कुछ मैं पिथौरागढ़ का उदाहरण दूं, मैंने एक बच्चों से एक स्कूल में बात की थी कि आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, तो बच्चों ने कहा हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा कि आपके आपके गांव में देखो खेती बाड़ी होती है, गाय भैंस भी पाले जाते हैं, और इस तरह से बात की, उसमें कोई समस्या है? हाँ, खेती की क्या समस्या है? पानी की दिक्कत है। अच्छा, और जानवर बहुत आते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा आपके घरों में महिलाओं से रिलेटेड कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। और जब मैंने उनके उस परिदृश्य को खोला, उनसे बातचीत की, तो बहुत सारी समस्या उन्होंने ही गिनाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? अपने आसपास की घटनाओं का अवलोकन बच्चे करें, क्या हो रहा है उसको देखें, उसकी जांच परख करें, ये इसकी बात नहीं कर रहा। एक बहुत सीधे साधे शब्दों में साहित्यिक अर्थों में यदि मैं कहूँ तो प्रश्न खड़े करना, वो जो प्रश्न खड़े करने का मतलब नहीं कि हाँ हमेशा अड़े रहो वाला बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ को जाँच परखना है, वो आदत उस तरह का व्यवहार और वो पढ़ने पढ़ाने के तरीके में ही आएगा। और मैं जिस तरह की बातें मैंने अभी तक साझा की हैं और जो स्कूल का जो माहौल है, और फिर मैं घर में भी वैसा माहौल देना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को उसी माहौल में हमें रखना पड़ेगा, तो तब जाके उसके जो अपनी अवधारणाएं हैं वो टूटेंगी। वो अभी तक क्या मानता आया है, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको कभी डिस्कस करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, वैसे समय भी अब हो रहा है।
देवेन जी आगे बताइए, यदि कोई और बात है तो। तो हम इसी इसी के साथ अपनी चर्चा को आज विराम देते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो जो अतीत की बात मैंने यहाँ पर करी, जो समाज का जो अपना अतीत है, उसमें भी बहुत बड़े रोड़े नहीं हैं, उसमें भी बहुत बड़ी समस्याएँ नहीं हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, बच्चों से भी करता हूँ। देखिए, हमारे घरों में धर्म ग्रंथ रहते हैं, क्या उन धर्म ग्रंथों का जो अध्ययन कभी बच्चों ने किया है, इसको देखने की कोशिश की है, हमने किस तरह से उनको पढ़ा है? उसी उसी में कोई परिवर्तन नहीं आया। बात विरोध की नहीं है, आप जो धार्मिक विश्वास की जो बातें यहाँ आती हैं, और कई बार ये बात आती है कि धार्मिक विश्वास भी एक रोड़ा होता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में या तर्कशील व्यक्ति के विकास में, ऐसा नहीं है। यानी धर्म विज्ञान का मूल रहा है, इन तीनों के अलावा एक चौथा कंपोनेंट में भी मैं खोलूँगा तो उसको खाली जिक्र कर रहा हूँ, वो फिलॉसफी का है। जो मूल वैज्ञानिक विचार है वो दर्शन से आता है, और दर्शन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं धर्म में है। ये जो अभी हम जो मानव समाज जितनी चीज़ें इकट्ठी की हुई है अपने अंदर, जितनी चीज़ों की चीज़ें संचारित हो रही हैं, ये अभी का नहीं है कि 2-2.5 लाख साल का इकट्ठा है, जब से मनुष्य ने एक अपना समाज बनाना शुरू किया। बहुत हमें लगता ना कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया, हम आधुनिक हैं, वो आदिम थे, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़े से बदलाव, वो 2-3-4 चीज़ें हैं जिसने इतना बदलाव किया ऐसा लग रहा है। मौलिक जो जो इकाई थी समाज की, वो परिवार, संस्था, विवाह, ये मनुष्य के उत्पत्ति के साथ जो विकसित हुए बने, वो आज भी चल रहा, उसमें क्या बदलाव आया है? वो वही काम कर रहे हैं जो तब करते थे, जब जब परिवार की उत्पत्ति हुई तब भी वही काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। समाज का निर्माण मनुष्य ने किस लिए किया? क्योंकि परिवार उसको एक छोटी सी इकाई लगी, और उसने फिर समूह बनाया, और समूह किनका बना? अपने रिश्ते नातेदारों का। और धीरे धीरे यही रास्ते रिश्तेदारी नातेदारी या एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होता, वो थोड़ा सा आकार में अंतर हमें मिलता है, ज़्यादा सारी चीज़ें वही हैं। वही उस समय क्या सीखना शुरू किया था इंसान ने, क्या जानना शुरू किया था, क्या चीज़ उसने अपने आने वाली पीढ़ी को दिया, और वही चीज़ शिक्षा में बदल गई, वो औपचारिक शिक्षा में बदल गई। उनको जो ये लगा कि जिससे मेरे आने वाली पीढ़ी अपना जीवन यापन कर सकती है, वही स्किल्स उसने अपने आने वाली पीढ़ी को दिया। लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि वो स्किल्स पेरेंट अब खुद बच्चों को दे रहे हैं, नहीं दे रहे, लेकिन उसके लिए एक संस्था है स्कूल। अब वो स्कूल वो सारी जिम्मेदारियाँ उस तरह से निभा पा रही, नहीं निभा पा रही, क्योंकि समाज स्कूल की स्थापना भी समाज के द्वारा ही होती है। तो वो जो विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य होंगे, वो यदि स्कूल लेवल पे पूरे नहीं होंगे, तो कभी भी मतलब एक बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास की संभावना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने इस चर्चा में भाग लिया और इन मेरी इन बातों को सुना। तो देवेन जी, यहीं पर समाप्त कर दिया जाए।
धन्यवाद सोनू जी। दिनेश कर्नाटक भी इसमें जुड़े थे सर, नमस्कार। हाँ, हंस तनवर जी ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ अभी तो अध्यापकों में भी ज़रूरत है। बिल्कुल, वो जो बच्चा कह रहा हूँ मैं, वो जनरली कल के दिन वही तो शिक्षक भी बनेगा। वो अभी ये कहें कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा पहले अपने शिक्षकों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति लाएं, फिर वो बच्चों में उड़ेल देंगे, ये संभव नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चों के साथ साथ वो आने वाली पीढ़ी में सोच सकते हैं। ये जो यदि इन बच्चों में इस तरह का कुछ विकसित हुआ, यदि उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो उस तरह से शिक्षा को लेते हैं, उस तरह से समाज के बारे में सोचते हैं, तो तेन जाके वो यदि वो शिक्षक बनेंगे तो उसी तरह की चीज़ों को लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। देवेन जी नमस्कार।